हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 3.2 सॉल्व करने के लिए कुछ ट्रिक बताएंगे जिससे आपको एक्सरसाइज 3.2 सॉल्व करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। फर्स्टली, आप लोग क्लास 10th में क्या पढ़ के आए हैं? साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक, ये क्लास 10th में स्टडी करके आए हैं। और कहाँ तक एंगल स्टडी करके आए हैं? आप एंगल स्टडी करके आए हैं 90 तक। लेकिन यहाँ पर आज हम आपको सिखाएंगे कि 90 से एबव का एंगल कैसे निकालेंगे, उसके लिए ट्रिक बताएंगे, बस फॉर्मूला ही बताएंगे, नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन बताएंगे। और इसमें इसके बाद हम और क्या बताएंगे कि कब साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक पॉजिटिव होगा या कब निगेटिव होगा। फर्स्टली हम साइन को रिप्रेजेंट करते हैं कि साइन उसका कब पॉजिटिव होगा या कब निगेटिव होगा। तो देखिए, साइन ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, फर्स्टली हम इसे क्या करते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से रिप्रेजेंट करते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री दैट्स वाई एक्सिस एंड दैट्स एक्स एक्सिस, एक्स एक्स डैश, वाई वाई डैश, दैट्स कोऑर्डिनेट एक्सिस। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा, ये सेकेंड क्वाड्रेंट होगा, ये थर्ड क्वाड्रेंट होगा और ये फोर्थ क्वाड्रेंट होगा। देखिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव होंगे इसको हम कैसे लर्न करेंगे? हम केवल सिंपल सा लर्न करेंगे ASTC। हमें क्या लर्न करना है? ASTC। अब ASTC लर्न करने का क्या मतलब है? ASTC लर्न करेंगे, पूरा साइन निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे इसका मतलब समझना होगा कि ए फॉर क्या होगा। देखिए, ए फॉर ऑल हो जाएगा, ऑल मतलब साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक। एस फॉर क्या होगा? साइन होगा, और साइन का रेसिप्रोकल क्या होगा? कोसेक होगा। और टी फॉर क्या होगा? टेन होगा, टेन का रेसिप्रोकल क्या होगा? कॉट होगा। सी फॉर क्या होगा? कॉस होगा, कॉस का रेसिप्रोकल क्या होगा? सेक होगा। आई मीन इट्स स्टैंड फॉर ए एंड इट्स स्टैंड फॉर सी एंड इट्स स्टैंड फॉर टी एंड इट्स स्टैंड फॉर सी, ASTC। इसमें क्या होंगे? ऑल पॉजिटिव होंगे, ऑल पॉजिटिव होगा, ऑल पॉजिटिव होगा, आई मीन कोई निगेटिव नहीं रहेगा। इसमें क्या होंगे? साइन एंड कोसेक पॉजिटिव होंगे, साइन और कोसेक पॉजिटिव होंगे। इसमें क्या होगा? टी टेन एंड कॉट पॉजिटिव होगा, टेन एंड कॉट पॉजिटिव होगा। इसमें क्या पॉजिटिव होगा? कॉस एंड सेक, कॉस एंड सेक। बस इतना ही कॉन्सेप्ट आपका पूरा फॉर्मूला लर्न करवा देगा। जैसे 90 प्लस थीटा, 90 माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा, 180 माइनस थीटा, फुल्ली कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा इससे। जैसे कि यहाँ पे आपको लर्न नहीं करना पड़ेगा, ऑटोमेटिक आप फॉर्मूला निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? देखिए, अब सबसे पहला काम हमें यह भी जानना होगा कि माइनस थीटा किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, प्लस थीटा किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो आपको हम जानकारी के लिए बता दें कि अगर कहीं भी एंगल फॉर्म करता है, अगर क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज एंगल बनता है, एंटी क्लॉकवाइज एंगल बनता है, तो ये पॉजिटिव एंगल होता है। कौन सा एंगल होता है? पॉजिटिव एंगल होता है। और अगर यही एंगल क्लॉकवाइज बनता है तो क्या होगा? निगेटिव एंगल होगा। अब यहाँ पे हमें इसे ध्यान देना होगा कि हम क्लॉकवाइज जा रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं, ठीक है। फर्स्टली हम क्या करेंगे, अगर माइनस थीटा को रिप्रेजेंट करते हैं, आई मीन माइनस थीटा, माइनस थीटा, तो माइनस थीटा किधर जाएगा?
हमेशा ये पॉजिटिव डायरेक्शन से ही लेंगे। माइनस थीटा देखिए हमें कैसे चलना होगा, क्लॉकवाइज चलना होगा, क्लॉकवाइज चलना होगा मतलब इधर जाएगा। जब ये इधर जाएगा तो सपोज डैट आपको हम डायग्राम बना के सिखा दे रहे हैं, माइनस थीटा इधर चलना होगा, इधर जाएगा, दैट्स माइनस थीटा। तो माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में पड़ रहा है, माइनस थीटा आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में पड़ रहा है। अब ये फोर्थ क्वाड्रेंट में पड़ने की वजह से क्या क्या पॉजिटिव होगा, सेक एंड कॉस दो पॉजिटिव होंगे, इसको छोड़ के अदरवाइज अदर क्या होगा, निगेटिव होगा। तो आइए सब फॉर्मूला हम राइट कर देते हैं, साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, कॉस माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस सेक पॉजिटिव होंगे तो इसको पॉजिटिव राइट करते हैं, टेन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस टेन थीटा, कॉट माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉट थीटा, सेक माइनस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा पॉजिटिव होगा, एंड कोसेक माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस कोसेक थीटा। अब हम बात करते हैं 90 माइनस थीटा की, 90 माइनस थीटा के लिए हम क्या फॉर्मूला राइट करें। तो फर्स्टली हमें ये समझना होगा 90 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में है, तो 90 माइनस थीटा आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। देखिए माइनस थीटा एंटी क्लॉकवाइज जाएगा, फिर से समझिए, ये जीरो होगा, ये 90 होगा, जीरो होगा, ये 90 होगा, ठीक, ये 180 होगा, ये 270 होगा, फिर से ये 360 होगा। 90 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट पे जाएगा, 90 माइनस थीटा एंटी क्लॉकवाइज चलना पड़ेगा कि क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज चलना पड़ेगा क्योंकि माइनस थीटा है, तो माइनस थीटा के लिए क्लॉकवाइज चलेंगे, 90 में से थीटा माइनस कर देंगे बस यही एंगल होगा। तो अब इधर चले आए तो माइनस थीटा किए हैं और 90 में से माइनस थीटा किए हैं तो ये एंगल बचेगा, 90 माइनस थीटा, 90 में से थीटा माइनस होगा, दैट्स 90 माइनस थीटा। अब ये किस क्वाड्रेंट में पड़ रहा है, ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में पड़ रहा है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या है, ऑल पॉजिटिव है। तो आइए अब यहाँ पे ऑल पॉजिटिव राइट करेंगे, और 90 में क्या होगा, जैसे साइन का कॉस, टेन का कॉट, सेक का कोस, साइन का कॉस, कॉस का साइन, टेन का कॉट, कॉट का टेन, सेक का कोसेक, कोसेक का सेक, ऐसे ही होगा। यहाँ पे ऐसे ही राइट करते हैं, साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा, सेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कोसेक थीटा, कोसेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा, डेट्स फॉर्मूला ऑफ 90 माइनस थीटा। अब हम इसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं 90 प्लस थीटा पे ले चलते हैं, 90 प्लस थीटा। अब 90 प्लस थीटा में भी जैसे साइन का कॉस हुआ, कॉस का साइन हुआ, वो 90 के लिए होगा, 90 माइनस के लिए होगा तो प्लस के लिए भी होगा। तो अब आइए इसको भी रिप्रेजेंट करते हैं, तो क्या होगा, देखिए ध्यान दीजिए, ये जीरो है, ये 90 है, ये 180 है, और ये 270 है, और ये कितना है, 360 है। 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा, 90 आई प्लस थीटा क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज मतलब ऐसे जाएगा तो इधर चला गया। जब इधर चला गया 90 प्लस थीटा तो ये आपका 90 प्लस थीटा हो गया। किस क्वाड्रेंट में गया, सेकंड क्वाड्रेंट में गया। सेकंड में क्या क्या पॉजिटिव होगा, साइन एंड कोसेक, साइन एंड कोसेक पॉजिटिव होगा, इसको छोड़ के सब क्या होगा, निगेटिव होगा, ठीक है। तो अब फिर से हम इसको निकालते हैं, साइन 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू साइन क्या होगा, पॉजिटिव होगा, कॉस थीटा, कॉस 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा,
टेन 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉट थीटा, कॉट 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस टेन थीटा, सेक 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस सेक थीटा, और क्या पॉजिटिव होगा, कोसेक पॉजिटिव होगा, कोसेक 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा। इस तरह से ये हमारा 90 प्लस थीटा भी कंप्लीट हुआ। अब 90 प्लस थीटा के बाद हम किसको लेंगे, 180 माइनस थीटा को, 180 माइनस थीटा को लेंगे, 180 माइनस थीटा को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, देखिए ध्यान दीजिए, 0 90 180 270 360 ठीक, 180 में से थीटा माइनस करेंगे, आई मीन 180 से एंटी क्लॉकवाइज मूव करेंगे, क्लॉकवाइज मूव करेंगे क्योंकि माइनस थीटा हो रहा है, तो ये किस क्वाड्रेंट में जाएगा, ये सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा, और सेकंड क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव होंगे, साइन और कोसेक, तो साइन और कोसेक पॉजिटिव कर देते हैं, साइन 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, ये पॉजिटिव होगा साइन, और कोसेक भी पॉजिटिव होगा, बाकी सब निगेटिव होगा, कॉस 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा, टेन 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस टेन थीटा, एंड कॉट 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉट थीटा, सेक 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस सेक थीटा, कोसेक 180 कोसेक 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू कोसेक थीटा, कोसेक 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू कोसेक थीटा ठीक। तो अब हमारा ये 180 माइनस थीटा भी कंप्लीट हुआ, 180 माइनस थीटा के बाद अब किसे निकालेंगे, 180 प्लस थीटा को, तो 180 प्लस थीटा जैसे 0 लिए माइनस थीटा, फिर 90 माइनस थीटा 90 प्लस थीटा, 180 माइनस थीटा 180 प्लस थीटा, 270 माइनस थीटा 270 प्लस थीटा, 360 माइनस थीटा 360 प्लस थीटा, ऐसे ही लेते जा रहे हैं ठीक है। तो अब 180 प्लस थीटा निकालेंगे, साइन 180 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा देखिए एक काम और भी है, हम 90 प्लस थीटा को या 90 माइनस थीटा को और क्या राइट कर सकते हैं, 90 माइनस थीटा को हम राइट कर सकते हैं पाई बाई टू माइनस थीटा, जहाँ पे 90 है वहाँ पे पाई बाई टू, इसको पाई बाई टू प्लस थीटा ठीक है, या इसे क्या राइट कर सकते हैं पाई माइनस थीटा, इसे क्या राइट कर सकते हैं पाई प्लस थीटा, बात सेम है, बस पाई से रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं, जैसे कि आपको पिछले वीडियो में सिखाए हैं कि एंगल से पाई में कैसे चेंज करेंगे या पाई से एंगल में कैसे चेंज करेंगे डिग्री, डायमंड डिग्री में, रेडियन टू डिग्री एंड डिग्री टू रेडियन ठीक है। देखिए साइन 180 प्लस थीटा, अब इसके लिए हम क्या करें, 180 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में होगा, 180 प्लस थीटा आपका होगा, देखिए ये 180 है प्लस थीटा, आई मीन हमें कैसे चलना है, एंटी क्लॉकवाइज चलना है, 180 ये है ही ठीक है, और प्लस थीटा एंटी क्लॉकवाइज, तो ये 180 प्लस थीटा हो जाएगा, तो जब ये 180 प्लस थीटा होगा तो ये किस क्वाड्रेंट में आएगा, ये थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा, जब ये थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा तो क्या पॉजिटिव होगा, टेन और कॉट पॉजिटिव होगा, तो टेन और कॉट हम पॉजिटिव ले लेंगे, बाकी सब निगेटिव ले लेंगे, साइन 180 प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, कॉस 180 प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा, टेन 180 प्लस थीटा इज इक्वल टू, टेन को हमें क्या करना है पॉजिटिव लेना है,
tan थीटा, एंड cot को भी पॉजिटिव लेना है, cot 180 प्लस थीटा इज इक्वल टू cot थीटा, sec 180 प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस sec थीटा, cosec 180 प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस cosec थीटा। इस तरह से 180 का भी कंप्लीट हुआ। अब हमें 270 लेना है, 270 माइनस थीटा एंड 270 प्लस थीटा, अब इसको कंप्लीट करते हैं। ठीक, देखिए 270 माइनस थीटा या 270 प्लस थीटा कैसे कि जाएगा, किस क्वाड्रेंट में जाएगा, आई मीन 270 माइनस थीटा, इसे हम क्या राइट करेंगे, 3π/2। 270 को अगर रेडियन में राइट करेंगे तो 3π/2 माइनस थीटा। अब इसे हम राइट करते हैं, फर्स्ट ये किस क्वाड्रेंट में जाएगा इसे समझना होगा, दैट्स 270, और 270 में से थीटा माइनस करेंगे तो क्लॉकवाइज मूव कर जाएगा, क्लॉकवाइज मूव करेगा आई मीन इधर होगा तो ये एंगल होगा 270 माइनस थीटा, जब ये 270 माइनस थीटा होगा ये किस क्वाड्रेंट में जाएगा, थर्ड में, और थर्ड में क्या पॉजिटिव होता है, थर्ड में टैन और कॉट पॉजिटिव होगा। जब ये 270 है, वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस में अल्टरनेट होगा, एक्स एक्सिस में अल्टरनेट नहीं हुआ था, देखिए 180 में साइन साइन था, कॉस कॉस था, टैन टैन था, ठीक है, और जब हमारा क्या था, वाई एक्सिस था आई मीन 90 था, तो अल्टरनेट हो गया, साइन कॉस हो गया, कॉस साइन हो गया, टैन कॉट हो गया, कॉट टैन हो गया, सेक कोसेक हो गया, कोसेक सेक हो गया, कब हुआ, जब वाई एक्सिस था, जब एक्स एक्सिस था तो अल्टरनेट नहीं था। ये 270 कौन सा एक्सिस है, 270 आपका वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस है इसलिए क्या होगा, अल्टरनेट होगा। तो अब हम इसे अल्टरनेट करते हैं, तो आइए इसको सॉल्व करते हैं, साइन 270 माइनस थीटा, देखिए थर्ड क्वाड्रेंट में है 270 माइनस थीटा, टेन कॉट पॉजिटिव होगा, तो 270 माइनस थीटा इस अल्टरनेट होगा, इसका क्या हो जाएगा, माइनस कॉस थीटा, कॉस 270 माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, और क्या होगा, टेन 270 माइनस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा, कॉट 270 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा। ठीक है, टेन और कॉट पॉजिटिव हो गए, अब बाकी जो बचे हुए हैं उसको निगेटिव करते हैं, सेक 270 माइनस थीटा इज इक्वल टू 270 माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस कोसेक थीटा, इसे अल्टरनेट करना था आई मीन टेन 270 माइनस थीटा कॉट हो जाएगा, ठीक है, और कॉट 270 माइनस थीटा टेन हो जाएगा, एंड सेक 270 माइनस थीटा क्या होगा, माइनस कोसेक थीटा, और कोसेक 270 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, माइनस सेक थीटा। ठीक है, तो ये अल्टरनेट हो गया, क्यों, क्योंकि ये वाई एक्सिस है इसलिए अल्टरनेट कर रहे हैं। अब हम 270 माइनस थीटा कंप्लीट कर चुके हैं, अब हम आते हैं किस पे आते हैं, 270 प्लस थीटा पे, 270 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में जाएगा, देखिए 270 प्लस थीटा, 270 प्लस थीटा राइट करें या क्या राइट करें, 3π/2 प्लस थीटा। ठीक है, तो अब ये फॉर्मूला क्या होगा, देखिए 270 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में जाएगा, 270 प्लस थीटा ये आपका 270 है, अब ये आपका 270 ये हो गया, ये 270 हुआ ना, 270 प्लस थीटा आई मीन इधर चले जाएंगे, इधर चले जाएंगे तो ये एंगल क्या बनाएगा, 270 प्लस थीटा, जब 270 प्लस थीटा होगा तो ये कौन सा क्वाड्रेंट में जा रहा है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में जा रहा है, जैसे ये फोर्थ क्वाड्रेंट में जा रहा है तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब क्या होते हैं, निगेटिव होते हैं, तो कॉस और सेक को पॉजिटिव करते हैं, अदर को निगेटिव करते हैं। ठीक, साइन 270 प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा, कॉस
270 प्लस थीटा कॉस और सेक क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे, ये पॉजिटिव हो जाएगा साइन थीटा, टेन 270 प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉट थीटा, से कॉट 270 प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस टेन थीटा, से 270 प्लस थीटा सेक क्या होगा, पॉजिटिव होगा, डेट्स कोसेक थीटा, कोसेक 270 प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस सेक थीटा। इस तरह से ये 270 प्लस थीटा कंप्लीट हुआ। 270 प्लस थीटा के बाद क्या है, 360 माइनस थीटा, ठीक है, 360 माइनस थीटा, या हम इसे क्या राइट करेंगे, 2 पाई माइनस थीटा, ठीक। अब 2 पाई माइनस थीटा के लिए क्या होगा, देखिए ये किस क्वाड्रेंट में जाएगा, ये आपका 360 हो गया, 360 माइनस थीटा, फिर पीछे आएंगे थोड़ा सा तो आई मीन कहीं इधर जाएगा, ये कितना होगा, ये एंगल होगा 360 माइनस थीटा, ये किस क्वाड्रेंट में जा रहा है, ये जा रहा है थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में नहीं, थर्ड नहीं आई फोर्थ क्वाड्रेंट में जा रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव होंगे, फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा कॉस और सेक पॉजिटिव होगा, तो कॉस और सेक को पॉजिटिव कर देते हैं, ठीक है, साइन 360 माइनस थीटा। अब ये कौन सा एक्सिस है, एक्स एक्सिस है, तो अल्टरनेट नहीं करेगा, साइन का साइन रहेगा, कॉस का कॉस रहेगा, आई मीन माइनस साइन थीटा, कॉस पॉजिटिव होगा, कॉस 360 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, टेन 360 माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस टेन थीटा, कॉट 360 माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉट थीटा, सेक 360 माइनस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा, एंड कोसेक 360 माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस कोसेक थीटा। हम किसे किसे पॉजिटिव किए हैं, कॉस को और सेक को, बाकी सबको निगेटिव किए हुए हैं अकॉर्डिंग टू दिस ग्राफ। एंड अब हम फिर आगे बढ़ते हैं हम किसको निकालते हैं, 360 प्लस थीटा को। देखिए सबसे पहला काम हम किसे निकाले हैं, हम माइनस थीटा को निकाले हैं, फिर 90 माइनस थीटा को, फिर 90 प्लस थीटा को, फिर 180 माइनस थीटा को, फिर 180 प्लस थीटा को, फिर किसे निकाले, 270 माइनस थीटा को, 270 प्लस थीटा को, और फिर अब किसे निकालना है, 360 माइनस थीटा को निकाले हैं, ठीक है, अब 360 प्लस थीटा को निकालेंगे, और इसके बाद n इंटू 360 प्लस थीटा, दैट्स द लास्ट n इंटू 360 प्लस थीटा। अब आइए आगे वर्क करते हैं, 360 माइनस थीटा तो कंप्लीट हो गया, 360 प्लस थीटा बताने जा रहे हैं, थ्री सिक्सटी प्लस थीटा, इसे हम और क्या राइट कर सकते हैं, 2 पाई प्लस थीटा, ठीक। आगे बढ़ते हैं, 360 प्लस थीटा क्या हो जाएगा, 360 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में पड़ेगा, फर्स्टली आप ध्यान दीजिए क्या होगा कि ये आपका कंप्लीट एंगल हो जाएगा 360, प्लस करेंगे तो इधर आ जाएगा, आई मीन ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में पड़ेगा, दैट्स एंगल ऑफ 360 प्लस थीटा, ये किस क्वाड्रेंट में पड़ेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जा रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होगा, ऑल पॉजिटिव होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होगा। अब इसे राइट करते हैं, साइन 360 प्लस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, कॉस 360 प्लस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, टेन 360
प्लस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा कॉट 360 प्लस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा सेक 360 प्लस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा कोसेक 360 प्लस थीटा इज इक्वल टू कोसेक थीटा। इस तरह से ये मेरा फॉर्मूला हुआ। अब उसके बाद एक फॉर्मूला बस बच रहा है, यन इंटू 360 प्लस थीटा, इसे ही बता देते हैं। एन इंटू 360 प्लस थीटा, या हम क्या राइट करेंगे, राइट करेंगे एन इंटू 2π प्लस थीटा। ये हम किसी भी एंगल के साथ राइट कर सकते हैं, यन इंटू 2π प्लस थीटा साइन यन इंटू 2π प्लस थीटा साइन यन इंटू 2π ये जो भी है, या तो कॉस को भी ले सकते हैं, कॉस यन इंटू 2π प्लस थीटा साइन एन इंटू 360 प्लस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा कॉस एन इंटू 360 प्लस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा टेन एन इंटू 360 प्लस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा कॉट एन इंटू 360 प्लस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा सेक एन इंटू 360 प्लस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा कॉसेक यन इंटू 360 प्लस थीटा इज इक्वल टू कॉसेक थीटा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, एक्सरसाइज 3.2 सॉल्व करेंगे। थैंक यू।